हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 8, रोल ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स एंड एरोमेटिक प्लांट्स इन नेशनल इकोनॉमी एंड देयर एक्सपोर्ट पोटेंशियल। तो इस चैप्टर में बच्चों, बहुत ज्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन है, क्या करें क्या करें क्या ना करें। तो देखो, हेडिंग को अगर हम देखें तो कह रहा रोल ऑफ मेडिसिनल प्लांट एंड एरोमेटिक प्लांट्स इन नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी में इन प्लांट्स का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है? तो इंपॉर्टेंस क्या है, इनको हम पैदा करेंगे, बाहर बेच देंगे, पैसा आएगा, हमारी कंट्री का होगा, उससे हम लोग क्या करेंगे, हमारी कंट्री में डेवलपमेंट होगा, नए नए काम हो सकते हैं, यही तो रोल है। ठीक है, तो क्या इतनी ही लाइन लिखें? कायदे में देखा जाए तो बस यही आंसर है इसका, बट एग्जाम में इतना नहीं लिखना है। एक और आई क्वेश्चन है, एंड देयर एक्सपोर्ट पोटेंशियल, उनकी कितनी क्षमता है एक्सपोर्ट होने, कितना हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी समझ से हेडिंग समझ में आई होगी, बहुत कंफ्यूजन है बच्चों को इसमें। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, करना क्या है मैं बताता हूं। इसमें ऑब्वियसली बात है, एग्जाम में तो इतनी लाइन लिख के आओगे नहीं, तो एग्जाम में क्या करोगे, आओ देखें कि एग्जाम में हमें क्या करना है। तो एग्जाम में नो डाउट हमको थोड़ा सा इंट्रो देना पड़ेगा, कितने तरह के पौधे होते हैं, कितने कौन सा पौधा कितना पैदावार होती है, कौन सा कितने रुपए में बिकता है। ठीक है, तो यही सब जब 8-10 पौधे याद कर लोगे, ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। आओ देखते हैं, समझते हैं, बात समझ में आ गई होगी कि क्या करना है हमको। हमको केवल अपनी कहानी एक लाइन में खत्म नहीं करनी है। क्या कह रहा है, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स हैव बीन यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम इन इंडिया। बहुत लंबे समय से मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट इस्तेमाल किए जा रहे हैं इंडिया में। द मेंशन ऑफ देयर यूजेस एज ओल्ड एज 10,000 ईयर्स। उनका जो इस्तेमाल है, उनका जो यूज है, वो 10,000 साल पहले ही मेंशन किया जा चुका है। क्लियर है? अब देखो ये सब बातें तुम कहोगे इसका इस सवाल से क्या लेने, इस हेडिंग से, अरे भैया कुछ भूमिका बनाओगे, कुछ इंट्रो तैयार करोगे। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बच्चे सवाल करते हैं सर क्या करें, तो थोड़ा सा इंट्रो तैयार कर लो, खुद से ही बना सकते हो, या ना कि इंडिया में बहुत पुराने समय से मेडिसिनल प्लांट का इस्तेमाल है, हल्दी धनिया पुदीना। ठीक है, तो ऐड कर सकते हो। आगे देखें, देयर आर अबाउट 2,000 नेटिव प्लांट्स, लगभग 2,000 नेटिव जो स्वदेशी पौधे हैं विद क्यूरेटिव प्रॉपर्टी। क्यूरेटिव का मतलब जो क्योर करें, ठीक कर दें। एंड 1300 स्पीसीज विद प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमा एंड फ्लेवर। हम लोग सब्जी में धनिया क्यों डालते हैं, स्वाद के लिए, जीरा क्यों डाल रहे हैं, स्वाद के लिए, नो डाउट उनके कुछ और भी फायदे हैं। तो 1300 स्पीसीज ऐसी हैं जो एरोमा और फ्लेवर स्वाद के लिए होती हैं। क्यों इसका जिक्र क्यों किया, क्योंकि यहां पर ये एरोमेटिक प्लांट्स की बात कर रहा है। क्लियर है, तो दोनों बातों का जिक्र हुआ यहां पर। Nowadays, the Indian system of medicines have again emerged as पॉपुलर मेडिसिन सिस्टम। आजकल इंडियन सिस्टम फिर से एक इमर्ज हो रहा है, पॉपुलर मेडिसिन सिस्टम। आजकल देखा जाए आयुर्वेदा बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा है, पूरा देश विदेश में है ना, फैल रहा है बुरी तरीके से। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मेडिसिनल प्लांट हेरिटेज, है ना, दुनिया का सबसे ज्यादा कहीं पर अगर ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिनका उपयोग दवाइयों के तौर पर होता है तो वो इंडिया है। अबाउट 880 मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज आर इन्वॉल्व बोथ इन नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। 880 प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी ट्रेडिंग होती है, खरीद फरोख्त तो होती है नेशनल वाइज, इंटर स्टेट, स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या इंटरनेशनल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहां पर हम सारी बातें अपनी कंट्री को लेकर करेंगे। आगे आते हैं, प्रेजेंटली अबाउट 80% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज रिलाइंग मतलब भरोसा कर रही है ऑन इंडिजिनस मेडिसिन। इंडिजिनस मतलब स्वदेशी दवा, है ना, जुकाम हुआ तो अदरक दही शायद ये सब कर लिया आपने, डिराइव फ्रॉम द मेडिसिनल प्लांट, जो मेडिसिन प्लांट से निकलती हैं दवाएं, उनके ऊपर आजकल 80% इंडियन पॉपुलेशन भरोसा कर रही है। क्या वजह है, उनके साइड इफेक्ट बहुत कम है। रेदर इट हैज अ वे ऑफ ट्रीटमेंट इन रूरल एरियाज एंड इट इज ऑल्सो बिकम पॉपुलर अमॉन्ग अर्बन पॉपुलेशन इन द फॉर्म ऑफ आयुर्वेदा सिद्धा एंड नेचुरोपैथी। ये नो डाउट ये रूरल एरियाज में ट्रीटमेंट का एक जरिया हुआ करता था पहले,
लेकिन अब अर्बन शहरी एरिया में भी आ रहा है, शहर में इसको हम लोग कैसे बोलते हैं, हम बोलते हैं आयुर्वेदा। गांव वाला आयुर्वेदा नहीं जानता, गांव वाला कहता है भैया स्वदेशी दवा है अपनी, है ना, जड़ी बूटियां, वो जड़ी बूटियां बोल देता है, ठीक है, वैद्य जी के पास चले जाओ। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ क्या कर रहे हैं हम लोग, मैंने क्या कहा, क्वेश्चन में उतना तो लिख के आओगे नहीं कि बस कि इकोनॉमी में कितना रोल है, ये सब बातें बतानी पड़ेंगी थोड़ी सी। अब ये बातें मैं फिर कह रहा हूँ, लकीर का फकीर नहीं बनना है कि सर ने जो लिखा वही लिखना, अरे कुछ अपने मन से जोड़ लेना भाई, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना, डीफार्म पढ़ के दे रहे हो पेपर, तो बहुत सारी बातें आयुर्वेदा जो आयुर्वेदा सिस्टम हमने पढ़ा था, तमाम बातें पढ़ रखी हमने, प्लांट्स पढ़े हैं बहुत सारे, तो कुछ मिला लो अपनी तरफ से थोड़ा बहुत। हाँ, कुछ डाटा जो तुम्हें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, कैसा डाटा, जैसे कि ये डाटा कि 1300 स्पीसीज हैं, 2000 है, याद नहीं रहेगा तो मन से बना देना, 1800 1500 कर देना, कोई चेक करने नहीं आ रहा, ठीक है, ये घबराना नहीं इसमें बिल्कुल भी, अरे इतना कैसे याद करेंगे। इंडिया इज ए वर्चुअल हर्बेरियम ऑफ वर्ल्ड विद वाइड रेंज ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन। वर्चुअल हर्बेरियम एक तरह का हर्बेरियम क्या होता है, जहां पे बहुत सारे पौधे उगाए जाते हैं, हर्बेरियम से एक्वेरियम होता है, इसके अंदर मछलियां पाली जाती हैं, वैसे वर्चुअल हर्बेरियम है, नेचुरल कुदरती है एक, विद वाइड रेंज ऑफ, बहुत ज्यादा रेंज है एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन। यहां पर देखा जाए तो सर्दी से लेकर के गर्मी तक हर तरह का क्लाइमेटिक, स्प्रिंग, 6 सीजन पाए जाते हैं यहां पर इंडिया में। इंडिया की खासियत है 6 ऋतुएं जो पाई जाती है इंडिया में किसी और कंट्री में नहीं है, इंडिया की सबसे बड़ी खासियत है। इसी वजह से सबसे ज्यादा डिफरेंट टाइप के यहां पर क्या है हमारे पास, इसको क्या बन गया, ये वर्चुअल हर्बेरियम, जो दुनिया भर के पौधे होते हैं इंडिया में, ऐसे ऐसे पौधे होते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं होते हैं। इंडिया क्लाइमेट रेंजेस फ्रॉम टेम्परेट इन द हिमालयस, ठीक है, हिमालय में टेम्परेट रीजन है, टू ट्रॉपिकल इन साउथ, ठीक है, साउथ में कैसा है, ट्रॉपिकल है, फ्रॉम ड्राई इन सेंट्रल, सेंट्रल में चला जाओ सूखा, और ह्यूमिड नमी वाला है इन आसाम, है ना, आसाम में बारिश भी ज्यादा होती है तो वहां पे वेट है। तो देखो टेम्परेट ट्रॉपिकल, ठीक है, टेम्परेट होता है थोड़ा सा बीच का, गर्मी वाला इलाका, ट्रॉपिकल हो गया सर्दी वाला इलाका, ठीक है, या हम कह सकते हैं साउथ में लगभग समुद्री एरिया है तो ऑलमोस्ट सेम रहता है टेम्परेचर, ड्राई सूखा, हर टाइप का एनवायरमेंट मौजूद है इंडिया में, यानी कि हर टाइप की वैरायटी हो सकती है यहां पर, बात समझ में आई। दस इंडिया हैज आइडियल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ वाइड रेंज ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट। इंडिया के पास एक आइडियल कंडीशन है कि एक बहुत बड़ी रेंज पैदा कर सकती है मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स की। क्लियर है, भूमिका चल रही है अभी हमारी। चाइना एंड इंडिया आर टू मेजर प्रोडक्शन सेंटर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। चाइना और इंडिया, चाइना भी लगा हुआ है इंडिया से, तो उसका भी जो लोकेशन है अर्थ पे वो ऐसा है कि थोड़ा बहुत काफी हद तक उसके अंदर काफी बड़ा एरिया भी है चाइना का, तो काफी हद तक क्लाइमेटिक कंडीशन वहां पे ऐसी पाई जाती हैं कि काफी सारे प्लांट्स वहां पे पाए जाते हैं जिनके मेडिसिनल यूजेस हैं। टू मेजर प्रोडक्शन सेंटर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट एंड हैव मोर देन 40% ऑफ द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। यहां पर लगभग पूरी अर्थ की डायवर्सिटी में से 40% डायवर्सिटी पाई जाती है। डायवर्सिटी समझते हो ना, विभिन्नताएं, जैसे कि एनिमल्स में डायवर्सिटी होती है, चूहा बिल्ली खरगोश ये सब क्या डायवर्सिटी, अलग अलग प्रकार की चीजें। तो पूरी दुनिया में जितनी चीजें पाई जाती हैं उसमें से लगभग 40% चीजें यहीं पाई जाती हैं इंडिया चाइना में। इंटरनेशनल मार्केट फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इज ओवर 60 बिलियन पर ईयर, $60 बिलियन पर ईयर जो इंटरनेशनल मार्केट है, एंड इज ग्रोइंग एट ए रेट ऑफ 6% पर एनम, और हर साल 6% के हिसाब से क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है? ये लाइन भले याद ना रहे, ये लाइन पक्का याद करेंगे, है ना, ये तो हमको बताना ही है क्योंकि एक्सपोर्ट पोटेंशियल वगैरह सारी बातें हो रही है, नेशनल इकोनॉमी की बातें हो रही हैं। बात समझ में आ रही है? इंडिया इज एंडोर्ड विद वाइड रेंज, एंडोर्ड मतलब संपन्न होना, इंडिया संपन्न है वाइड रेंज ऑफ मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज, यहां पर बहुत सारी मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज हैं और उन प्लांट्स की प्रजातियों से इंडिया एक संपन्न देश है। मैनी ऑफ दीज प्लांट्स पजेस ट्रिमेंडस मेडिसिनल प्रॉपर्टी, इन प्लांट्स के पास बहुत ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, आर बींग यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ इसेंशियल ऑयल, एरोमा एंड बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, और इनका इस्तेमाल करते हैं हम लोग ऑयल निकालने के लिए, खुशबू के लिए, और बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जिससे कि हमारा हमारे लिए यूज में ला सकते हैं, उनको हम निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उनको हम लोग, ठीक है, मैंने कहा ना, समझ लो लकीर का फकीर नहीं बनना है, मन से बना के लिख सकते हो फिर। अब यहां पर कुछ बातें होने वाली हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया एथनो बायोलॉजिकल सर्वे कैरिड आउट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक सर्वे हुआ, देयर आर ओवर 8000 स्पीसीज, 8000 स्पीसीज हैं किसकी, मेडिसिनल प्लांट ग्रोन इन द कंट्री।
कंट्री के अंदर लगभग 8000 मेडिसिनल प्लांट उगाए जाते हैं। मोर देन 60% ऑफ दीज प्लांट्स आर फाउंड इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं हमारी कंट्री में, 60% पौधे वहां होते हैं, स्प्रेड अक्रॉस द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। जो वेस्ट और ईस्ट घाट्स हैं वहां पे ये वहां से फैले हुए हैं उस तरफ, यानी कि यहां पाए जाते हैं, यहां पाए जाते हैं, यहां पाए जाते हैं। कितने? 60% इन तीन जगहों में पाए जाते हैं। आगे बेसिक केमिकल फार्मास्यूटिकल्स एंड फार्मास्यूटिक्स एंड कॉस्मेटिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एक कमिटी हो गई है, पॉपुलरली नोन एज केमेक्सिल, है ना, केमिकल फार्मास्यूटिक्स एंड कॉस्मेटिक एक्सपोर्ट प्रमोशन, ठीक है, काउंसिल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये जो संस्था है ये किसके अंदर आती है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। हैज इन मेकिंग ऑल कंसर्टेड एफर्ट ऑफ प्रमोट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मेडिसिनल प्लांट। वो पूरा ध्यान रखती है कि मेडिसिनल प्लांट्स को ज्यादा से ज्यादा उगाया जाए, उनको उनका जो एक्सपोर्ट है उसको प्रमोट किया जाए। क्यों? पैसा आएगा, पैसा आएगा तो इंडिया का डेवलपमेंट होगा। डेट इज वैल्यू एडेड हर्बल प्रोडक्ट। वैल्यू एडेड मतलब जिनसे हमें पैसा मिलने वाला है। ओके, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ मेडिसिनल प्लांट एंड हर्बल मटेरियल इज टू ट्यून ऑफ ₹550 करोड़ फ्रॉम इंडिया। अगर 2005-06 की बात करें, डाटा पुराना है थोड़ा सा, ठीक है ना, लेटेस्ट डाटा आई थिंक जो है अवेलेबल नहीं है, थोड़ा सा डाटा पुराना है, ठीक है। अगर 2005-06 की बात करें तो लगभग 550 करोड़ का क्या था, एक तरह से कह लो कि प्रॉफिट हुआ था इंडिया को। द मेन मार्केट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इंक्लूड। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल, कहां कहां हमको एक्सपोर्ट किया जाता है या हमारे प्लांट्स कहां कहां एक्सपोर्ट किए जाते हैं। वेस्ट एशियन कंट्रीज सच एज सऊदी अरेबिया, UAE, कुवैत, ईरान, ठीक है ना। द अदर एशियन कंट्रीज लाइक श्रीलंका, बांग्लादेश आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स फॉर इंडियन मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। तो ये सारी वो कंट्री है जहां पर, कंट्री तो लगभग ऑल ओवर वर्ल्ड जाता है, ये खास कंट्री है जहां सबसे ज्यादा जाता है, ठीक है। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स आर आल्सो एक्सपोर्टेड टू यूरोपियन कंट्रीज एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहां पे भी एक्सपोर्ट होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो दो चार याद रख लो, फिर मंत्री बना लें कहां कहां पर एक्सपोर्ट किया जाता है। बात समझ में आ रही है? नाउ देखें जरा अब क्या है। दो चाइना इज एन इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन सेंटर, चाइना एक खास प्रोडक्शन सेंटर है जहां पे प्रोडक्शन होता है। इट आल्सो इंपोर्ट कंसिडरेबल क्वांटिटी ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया। चाइना में खुद काफी ज्यादा मेडिसिनल पौधे उगते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इंडिया से काफी सारी चीजें इंपोर्ट करवाता है। इंपोर्ट मतलब समझते हो? कुछ बच्चों कंफ्यूज होंगे, एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना, इंपोर्ट इन बाहर से कोई चीज अंदर लेना। एक्सपोर्ट कंट्री बाहर भेजती है, इंपोर्ट करती है तो कंट्री अपने अंदर खरीदती है। From the table we can see that highest realization was from export of Isabgol husk. या टेबल देखेंगे हम लोग, ठीक है, टेबल तैयार की है मैंने। Isabgol husk followed by cambogia extract, senna leaves, pads, sandalwood chips and dust and extract of belladonna. ये कुछ ऐसे पौधे हैं जिनसे क्या है, medicinal पौधे हैं सारे के सारे, जिसने हमको कितना कितना फायदा कराया है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर ये टेबल है मेरे पास, करीब करीब 25-26 मैंने यहाँ दे रखे हैं, तो तुमको क्या करना है, 25-26 याद हो जाए बहुत ही बढ़िया, ठीक है भाई, बताना पड़ेगा ना। और क्या रह गया इसमें, नेशनल इकोनॉमी में क्या योगदान है भाई, अगारवुड, ठीक है, इतनी वैल्यू का बिका, इतना टन पैदा हुआ, किसको बेचा, यही तो है, ये मिला हमको नेशनल इकोनॉमी, ये मिल गई नेशनल इकोनॉमी। बात समझ में आई? नेशनल इकोनॉमी में को क्या फायदा हुआ, ये फायदा हुआ, पैसा मिल गया भाई, नेशनल इकोनॉमी में पैसे तो मिलेगा। तो ये डाटा तुम्हें कम से कम 10, ये किसके हैं, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के हैं, ये किसके डाटा है, ये मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स का है। इसके बाद एक टेबल और आएगी ऑयल्स वाली, ठीक है, उसमें भी 10-10 याद कर लो, 10 इसके याद कर लो, 10 उसके याद कर लो, जो तुम याद कर सकते हो, ठीक है, एसोफोइटिडा, बेसिल, हायोप्सा, ठीक है, रोजमेरी सेज। अब इसमें बहुत से बच्चे कहेंगे सर ये क्या होता है, ये तो हमें पता ही नहीं, कभी सुना ही नहीं। तो अब ये सारे के सारे अगर मैं एक्सप्लेन करने लग गया तो ये चैप्टर और टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। एसोफाइटिडा हींग होती है, ठीक है, बेलाडोना लीव्स, ये सब पढ़े हैं हम लोग। तो अगर किसी को कुछ नहीं पता कि कैम्बोज क्या है तो नेट पे जाए, डाले कैम्बोज लीफ, वहां तुमको मिल जाएगा। मेन चीज क्या है, भले इनके मीनिंग एक बार को ना पता हो, ठीक है, जैसे हींग, अगारवुड,
ठीक है, बेलोडोना लीव्स, फिर और क्या याद कर सकते हो तुम, एक छोटा सा वर्ड है चिराला, जिनसेंग बहुत सुना होगा तुम लोगों ने, ठीक है, फिर जिम्नीमा पाउडर भी सुन रखा है, देन नीम लीफ तो सुना ही हुआ, तो ऐसे 8-10 निकाल लो जो बढ़िया से हो, या ऐसे निकाल लो 8-10, देखो तरीका बता रहा हूँ मैं, जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, जैसे इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एसोफाइटिडा की। नेक्स्ट अगर हम आ जाएं तो फाइसिलियम हस, बहुत ज़्यादा इसकी क्वांटिटी है, इतने लाख बिकाई है, इतना टन पैदा हुआ है। अब कंट्री की बात देखो बच्चों बताऊं मैं, कंट्री तो याद करो तो फंस जाओगे, ठीक है ना, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्या करोगे, 10 कंट्री याद कर लो, ठीक है, तीन इधर लगा दी आगे पीछे करके, ठीक है, किसी को नहीं पता होता है कौन सी कंट्री में कहाँ जा रहा है, टीचर को याद होगा बहुत ही बड़ी बात है, तो कंट्री का तो नहीं पता होगा, थोड़ा बहुत ये डाटा भी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट ये पौधे तो याद होने चाहिए, ठीक है ना। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि टीचर को बेवकूफ़ बना दो, लेकिन हाँ छोड़ना नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ गई, बिल्कुल लकी का फकीर सर ने लिखा था हम यही लिख के आएंगे ये 4-5-6, अरे यहाँ तुम गलती से बांग्लादेश लिख दोगे तो कौन देखने जा रहा है, बिकता होगा क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, अब आगे आते हैं, ठीक है, फाइसिलियम सीड, ईसोप गोल, सैंडलवुड चिप्स, देखो ये मैंने मार्क कर रखा है, काफ़ी ज़्यादा इसकी क्वांटिटी बिकती है, सेना लीव्स सुना हुआ है ये, तो ये इस टाइप से तुम्हें 10 याद कर लो मेरी तरफ से, वो स्टार्टिंग का इंट्रो और ये 10, क्लियर है। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद है एक्सपोर्ट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक एक्सट्रैक्ट्स एंड ऑयल्स, ठीक है, उनका निचोड़ और तेल, उसमें कौन कौन से अगार ऑयल है, इसमें भी 10 याद कर लो जो सेम मैंने बताया, ठीक है, क्यूमिन ऑयल है, ठीक है, एसेंशियल ऑफ जेरेनियम है, एसेंशियल ऑफ लेवेंडर और लेवेंडिन, बहुत से तुम लोगों ने सुने भी नहीं होंगे, बात समझ में आ रही है, क्लियर है बातें, तो इसका काम आसान हुआ कि कैसे याद करना, ओनली 10 अपने मन के पकड़ लो, 10 कंट्री याद कर लो, 10, 11, 12, और जितना मैक्सिमम कर पाओ उतनी अच्छी बात है, वरना मिनिमम तो इतना कर लो, ठीक है, बात समझ में आ रही है, चलो कर लोगे याद। अब देखा है क्या, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ हर्बल ड्रग्स आर रैपिडली इंक्रीजिंग, ये तो मन से बना के लिख दोगे कि हाँ भैया डिमांड और सप्लाई लगातार इंक्रीज कर रही है, कर रही कि नहीं कर रही है, कर रही है, डे बाय डे कर रही है भाई, क्यों, आदमी बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहा है। द एनुअल रिवेन्यू जनरेटेड बाई इंडियन हर्बल इंडस्ट्री इज अबाउट 2300 crores, जो एनुअल रिवेन्यू है, ठीक है ना, कंपेयर टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टर्न ओवर 14,500 है ना, कितना हो गया लगभग करोड़, विद ग्रोथ रेट ऑफ 15%, ठीक है ना, जो रिवेन्यू है किसका, इंडियन हर्बल का 2300 crore है, ये खैर 14,500 नो डाउट ज्यादा है ये, लेकिन उसके कंपैरिजन में धीरे धीरे बढ़ रहा है, और कितना बढ़ रहा है 15% के हिसाब से, ये हमारा इंडियन वाला हर्बल वाला क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये इस टाइप के जो डाटा है ये पक्के से ऐड कर दें क्वेश्चन करते वक्त, है क्या डाटा ही तो है, इसमें कोई समझाने लायक तो चीज़ है नहीं, डाटा इतना याद कर लो। और एक चीज़, जैसे मैंने डाटा जो यहाँ बताया है, तुमको किसी और टीचर का डाटा याद हो गया, जब हमेशा बोलता हूँ मैं कोई पढ़ रखा पहले, तो उसको उसमें ऐड कर लो, नोट्स तो मिल ही रहे हैं सबको, बाकायदा लिंक मिल रही है, उसी में से लाइन मार के उसमें ऐड कर लो। इंडिया हैज एक्सपोर्टेड मैनी मेडिसिनल एंड हर्बल प्रोडक्ट्स इन लास्ट फ्यू ईयर्स, ग्लोबली इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैस्टर सीड। अभी डाटा है कि हाँ इंडिया इतना कर रहा है कैस्टर सीड में, इतना प्रोड्यूस कर रहा है, सेकंड लार्जेस्ट है, ओवरऑल रिवेन्यू जो पैसा आ रहा है इंडिया के पास अबाउट $1 billion, एंड एक्सपोर्ट ऑफ हर्बल क्रूड एक्सट्रैक्ट इज अबाउट $80 million, जो मेडिसिन बेच के कमा रहा है और जो क्रूड एक्सट्रैक्ट निचोड़ उनका बेच कर कमा रहा है, वो कितना कमा रहा है, 80 million कमा रहा है, क्लियर है ये बात है, बात समझ में आ रही है, ओके आगे आते हैं, आगे देखते हैं एक्सपोर्ट पोटेंशियल क्या है, ये एक्सपोर्ट पोटेंशियल, तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल में क्या है, एक्सपोर्ट करने की क्षमता, तो नो डाउट क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें भी जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल वाला क्वेश्चन आएगा उसमें भी 10-10 वो ऑयल जो तुमने कंटेंट याद किए हैं वो इसके नीचे लिख देना, उसके बाद उसमें और क्या क्या लिख सकते हो आओ देखते हैं। एक्सपोर्ट पोटेंशियल हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पॉलिसी के बारे में, बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ MAPs, मेडिसिनल
एरोमेटिक प्लांट्स पार्ट्स, प्लांट्स उसका कोई हिस्सा एंड उसका एक्सट्रैक्ट या उससे कोई निकला हुआ निचोड़ क्या है उसका। ऑन इंपोर्ट ऑफ पार्ट एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑयल इन टू इंडिया इज चार्ज एट द रेट ऑफ 30% फॉर ऑल द आइटम। उसके ऊपर कितना लगता है अगर किसी चीज को तुम क्या करने जा रहे हो इंपोर्ट करने जा रहे हो तो 30% तुमको चार्ज देना पड़ेगा कस्टम ड्यूटी के तौर पे। ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर तुम एक्सपोर्ट करना है तो केवल कितना है 16%। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट करने को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा है, इंपोर्ट करने को उतना बढ़ावा नहीं, यानी कि तुम एक्सपोर्ट करोगे तो टैक्स कम देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। ओके, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज एट ए रेट ऑफ 16% ऑन ऑयल एंड एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट जो उसका निचोड़ है, ठीक है, ऑयल नहीं होगा, उसका निचोड़ कहलाता है, विच आर प्रोसेस्ड और सेमी फिनिश्ड आइटम। या तो उसको प्रोसेस कर लिया गया है या जो आइटम हमें बनाना है, मान लो जैसे मान लो सेमी फिनिश्ड आइटम है ना, फाइनली क्या हमने पाउडर बना के तैयार कर दिया, सेमी फिनिश्ड आइटम है, अब सप्लाई कर देंगे, दूसरी कंट्री वाले क्या करेंगे उस पाउडर के अंदर एक दो चीजें और मिला करके फाइनली तैयार करके बोतलों में पैक कर देंगे। तो सेमी फिनिश्ड जो आधा तैयार हुआ है फॉर यूज ऑफ मेडिसिनल इंडस्ट्री एंड अदर यूजेस। तो हम लोग किस किस तरीके से चीजों को बेच सकते हैं, हम सीधा मान लो नीम के पत्ते तोड़ा और बेच दिया, उदाहरण के तौर पे हमने क्या किया, नीम के पत्ते लिए, उसे निचोड़ा, उसके अंदर से तेल बन निकाला, तेल बेच दिया। हमने क्या नील के पत्ते निकाले, उसे उबाला, एक्सट्रैक्ट निकाला, उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट बेच दिया उसका। या अब क्या किया, एक्सट्रैक्ट निकाल करके उसको पाउडर फॉर्म में बना करके और है ना पत्तों को चूरा उरा बना करके सेमी फिनिश और फिर बेच रहे हैं, वो आगे जाके उसको आगे कुछ और काम कर लेंगे। तो इस तरीके से ये दो तीन चीज़ें होती हैं जो हम लोग बेचते हैं अलग अलग रूप के। ठीक है ना, क्या होता है अलग अलग रूप में जो प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पास जिनको कि हम लोग बेचते हैं। बात समझ में आ रही है कि किस किस तरीके से हम लोग मेडिसिनल प्लांट्स को बेचते हैं। पूरा पूरा पौधा आ सकता है, उसका कोई पार्ट आ सकता है। क्लियर है, आगे आते हैं। द एक्सिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी एडॉप्टेड फॉर एमएपीज, एमएपीज पास कर गया ना, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कॉमा पार्ट्स या उसका कोई पार्ट एंड एक्सट्रैक्ट या उसका निचोड़ नीड्स रिवीजन, उसको रिवीजन की जरूरत है, बिकॉज इन एक्सिम पॉलिसी एमएपीज रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट इज इंकरेज्ड इंस्टेड ऑफ सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट और एक्सट्रैक्ट। ठीक है ना, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट को इनकरेज किया, इसको रिवीजन की जरूरत है। क्यों कहा जा रहा है, एक्चुअली होता क्या है, देखो मैं तुम्हें बताऊं, अभी इसमें आएगी बातें आगे। हम लोगों ने रॉ मटेरियल दे दिया, नीम का पत्ता लिया, चूरा वूरा बनाया, दे दिया वहां पे, हमारे पास टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी कमी है। दूसरी कंट्री वालों ने क्या किया, उस पाउडर से उसको निकाल करके, पाउडर में से केमिकल को बाहर निकाल करके उसका फिर मेडिसिन बना करके या उसकी कोई दवा बना करके वापस इंडिया को बेच रहे हैं। हमने पत्ते बेचे 100 रुपए के, वो हमको दवाइयां बेच रहे हैं 1000 रुपए की, कौन ज्यादा कमा रहा है। ठीक है ना, तो बात समझ में आ रही है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो यहां पर कह रहा है कि जो हमारे पास पॉलिसी है अभी पुरानी नहीं, उसमें क्या है कि इनकरेज किया जाता है, इनकरेज इंस्टेड ऑफ सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट और एक्सट्रैक्ट, रॉ मटेरियल कच्चे मटेरियल के एक्सपोर्ट को बस लिया और बेच दिया, इनकरेज किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, बजाय इसके कि सेमी फिनिश्ड या प्रोडक्ट और एक्सट्रैक्ट को प्रोत्साहित किया जाए। ड्यू टू दिस द कंट्री इज नॉट रीपिंग, रीपिंग मतलब कमाना, द फुल बेनिफिट ऑफ द नेचुरल वेल्थ अवेलेबल इन द कंट्री। जो नेचुरल वेल्थ, जो नेचुरल कुदरती है हमारे पास, वेल्थ मतलब समझते हो पैसा, एक तरह से भाई बेच रहे हो तो पैसा आ रहा है ना, जो हमारे पास कंट्री में मौजूद है उसको हम पूरी तरीके से नहीं रीप कर पा रहे, कमा नहीं पा रहे। क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी हमारे पास वो नहीं है कि हम उसके अंदर से वो चीज़ निकालें या उतने आसानी से उसको निकाल लें या उतना प्यूरीफाई उस तरीके से उसको निकाल सके, हम लोग उतना प्योर हम लोग नहीं निकाल पाते या उस तरीके से हम लोग उस प्रोडक्ट को नहीं बना पा रहे। बात समझ में आ रही है। अब क्या कह रहा है, तो पॉलिसी शुड फोकस ऑन इंकरेजिंग एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश्ड। हमको फोकस करना चाहिए कि अब जो नीम का पत्ता तोड़ लिया हमने, उसके अंदर निचोड़ करके हम खुद उस प्रोडक्ट को बनाएं, पूरा तैयार फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ एमएपीज इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। हमें रॉ मटेरियल नहीं भेजना चाहिए, रॉ मटेरियल सस्ता चला जाता है, उसके बने हुए प्रोडक्ट महंगे बिकेंगे, उससे हमें ज्यादा फायदा होगा। ठीक है ना, अब रॉ मटेरियल लेकर के दूसरी कंट्री उससे प्रोडक्ट बना करके दूसरी कंट्री को महंगे में बेच करके ज्यादा कमा रही है, हम उतना नहीं कमा पा रहे। मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल आर बीइंग एक्सपोर्टेड आइदर टू यूएसए और यूरोप। ज्यादातर कहां बेचा जाता है रॉ मटेरियल, यूएसए और यूरोप को, वेयर इन द प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी इज वेल डेवलप्ड।
वहां पर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी काफी अच्छी डेवलप है, वो लोग उसको अंदर से केमिकल कंस्टिट्यूएंट निकाल करके प्रोडक्ट बनाने में ज्यादा सक्षम है। आफ्टर प्रोसेसिंग जब उसको दीज कंट्रीज आर एक्सपोर्टिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट, प्रोसेस करने के बाद ये कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है पूरा तैयार प्रोडक्ट को, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, एंड रीपिंग द बेनिफिट ऑफ इंपोर्टिंग रॉ मटेरियल। और जो उन्होंने इंपोर्ट किया था रॉ मटेरियल, उससे वो लोग क्या कर रहे हैं, फायदा कमा रहे हैं, रीप द बेनिफिट फ्रॉम द इंडिया एंड अदर एशियन कंट्री। उन कंट्री से रॉ मटेरियल ले लेते हैं, वो फिर फिनिश प्रोडक्ट बना करके वापस बेचते हैं। महंगा मैंने बताया ना, 100 रुपये में रॉ मटेरियल खरीदा, उसकी दवाइयाँ बनाई, 1000 रुपये में बेच दी, 900 रुपये का कमा लिया फायदा। तो ये काम कौन कर रही है, कंट्री कर रही है। तो ये एक्सपोर्ट पोटेंशियल के अंदर सारी बातें तुम लोग डिस्कस करोगे कि क्षमता इतनी है, कैसे बढ़ा सकते हैं और क्या क्या काम कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल अफोर्ट, अच्छा कुछ और तरीके भी हैं कि हम लोग एक्सपोर्ट की क्षमता को बढ़ाएं। तो आप देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप एन नेशनल लेवल बॉडी, उसने एक संस्था खड़ी करी है, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड NMPB, विद अ व्यू टू इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स एंड टू कोऑर्डिनेट ऑल मैटर्स रिलेटेड टू देयर डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल यूज। उसने, हमारी इंडियन कंट्री ने एक संस्था बना दी है NMPB, जो क्या करेगी, निगरानी रखेगी, देखेगी कि मेडिसिनल प्लांट सारे अवेलेबल रहें, खेती बाड़ी प्रॉपर होती रहे, ठीक है, उसके रिलेटेड सारे मैटर चेक करेगी और चेक करेगी उनके डेवलपमेंट और सस्टेनेबल यूज, उनका यूज प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसी कमी हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो संस्था है, ये पूरा नज़र रखती है जितने भी मेडिसिनल प्लांट कंट्री में उगाए जा रहे हैं उनके ऊपर। आगे आते हैं, द NMPB इज कंडक्टिंग स्कीम्स ऑन कल्टिवेशन एंड मार्केटिंग ऑफ MAPs, उगाना और उनको मार्केट करने के ऊपर ध्यान दे रही है इन द कंट्री के अंदर, भाई तभी तो पैसा आएगा ना कंट्री के पास, ठीक है। नाउ न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, अब देखो बात करें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, मतलब जब चीज़ों को विदेश में बेचा जाता है तो उसकी कुछ पॉलिसीज होती हैं। तो आओ देखें जरा क्या पॉलिसी है, अंडर द न्यू FTP 2004-09, एक हर पाँच, चार से नौ है ना ये, पाँच साल, हर पाँच साल में रिव्यू होता रहता है FTP के बारे में। तो जो चार से नौ में जो रिव्यू हुआ है, अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जो बोला है, चीज़ क्या बोला है वो देखेंगे आगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अ सीरीज ऑफ इंसेंटिव, इंसेंटिव मतलब इंसेंटिव कहा जाता है एक तरह का, आपको कह लो कि फायदा, हैव बीन ऑफर्ड, फायदा दिया गया, जैसे कि ऐसे कह लो कि अच्छा ठीक है, हम लोग कहते हैं ना कि अच्छा बच्चे तुम इतना होमवर्क कर लो तो तुम्हें एक चॉकलेट मिलेगी, तो इंसेंटिव, वो इंसेंटिव है, चॉकलेट क्या है, इंसेंटिव है। हैव बीन ऑफर्ड टू प्रमोट, इंसेंटिव दिए जाने लगे प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट ऑफ हर्बल एंड मेडिसिनल प्लांट। अब उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा करते हैं कि जो लोग कर रहे हैं उनको कुछ और फायदा दिया जाए, जिससे कि वो और ज्यादा एक्सपोर्ट करें मेडिसिनल प्लांट को, जिससे क्या हो, कंट्री को और ज्यादा मुनाफा हो। तो क्या क्या था, उन्होंने कहा ठीक है काम करते हैं, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स अंडर द एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल। जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, जो कैपिटल गुड्स थे उनके इंपोर्ट को क्या कर दिया, ड्यूटी फ्री कर दिया अंडर द एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल। बात समझ में आ रही है, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप इक्वलेंट टू 5% ऑफ द FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। अब क्या किया गया कि यहां पर ये लाइन थोड़ी सी बस रटनी पड़ेगी बच्चों, इसका मतलब क्या होता है FOB, ठीक है, FOB वैल्यू क्या होती है, मतलब प्लांट को उगाने से लेकर के पूरा तैयार करने से लेकर के ट्रक में लाने से लेकर के पैक करने से लेकर जो टोटल खर्चा हुआ, ठीक है ना, जो टोटल रेंट लग गया, ट्रक का भाड़ा वगैरह, ये सारे भाड़े इसके अंदर काउंट होते हैं FOB के अंदर, ठीक है ना। जो ड्यूटी लगेगी, एक्साइज ड्यूटी मतलब एक्सपोर्ट की ड्यूटी लगेगी, वो कितना होना चाहिए, इक्वलेंट टू 5%, इस पूरे चीज का केवल 5% ज्यादा नहीं होगा। अगर मान लो किराया भाड़ा हर चीज जो तुम्हें लग गया उसको करने में, मान लो 100 रुपये लग गए, तो अब तुम्हें एक्सपोर्ट करने के लिए सिर्फ 5 रुपये और देने होंगे। इस तरीके से बनाया गया जिससे कि क्या हो, ज्यादा प्रमोशन हो, किसको, एक्सपोर्ट ऑफ मेडिसिनल प्लांट को। लॉन्चिंग ऑफ विशेष कृषि एंड उद्योग योजना, एक योजना लॉन्च की गई विच इज एम्ड, जिसका मेन उद्देश्य क्या था, एट प्रमोटिंग एग्री एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चरल का एक्सपोर्ट, जिसके अंदर मेनली मेडिसिनल प्लांट होंगे विद फ्लावर वेजिटेबल फ्रूट एक्सेट्रा, ठीक है, इसके अंदर मेनली क्या रहेंगे, एक तो मेडिसिनल प्लांट रहेंगे और ये सब चीजें भी रहेंगी, इससे क्या रहेगा कि एग्रीकल्चर मेडिसिनल प्लांट्स की खेती को एक बढ़ावा मिल जाएगा इस योजना के तहत,
बात समझ में आ रही है? तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल, एक्सपोर्ट पोटेंशियल, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया हमारी सरकार ने, और वो 8-10 पौधे तुम ऊपर के जो प्लांट्स हैं उनको लिख करके उनके नाम वहां पे दे दोगे, ठीक है? आगे चले, अब क्या कह रहा है आगे, ये APEDA, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक और अथॉरिटी हमारे पास, APEDA प्रमोट्स द एक्सपोर्ट ऑफ MAP एंड आल्सो एग्जामिनिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रमोटिंग एग्री एक्सपोर्ट जोन्स, ये जोन है, स्पेशलाइजिंग इन कल्टीवेशन ऑफ एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट। ये जो संस्था है ये खास फोकस करेगी MAP के ऊपर, ठीक है, प्लस ऐसे जोन तैयार करेगी जहां पर कल्टीवेशन ऑफ एरोमेटिक प्लांट और मेडिसिनल प्लांट होते हैं, ऐसे जोन्स को प्रमोट करेगी, ऐसे जोन्स को, यानी कि हम कह सकते हैं एग्री स्पोर्ट जोन्स, ऐसे रीजन्स तैयार करेगी, उन पे ध्यान रखेगी या बढ़ावा देगी उनको, कि वहां पर जैसे एक तरह से जस्ट लाइक मेला होता है ना, कि हाँ इस इलाके में आज ये मेला लगा है जहां पर गाय भैंसों की खरीद फरोख्त हो रही है, भेड़ बकरियों की खरीद फरोख्त हो रही है, तो जस्ट वही है एग्री एक्सपोर्ट जोन्स। इसी टाइप से इन मेडिसिनल प्लांट्स के लिए भी एक मेला टाइप का जहां पे इनकी खरीद फरोख्त होगी। क्लियर है? आगे आते हैं, देयर आर टू एग्री एक्सपोर्ट जोन्स ऑफ MAP, वन इन उत्तरांचल एंड अनदर इन केरला। ऐसे दो जोन पाए जाते हैं कहां पर, या बनाए गए हैं, उत्तरांचल में और केरला में, ठीक है। एक्सपोर्ट स्ट्रेटजीज फॉर MAP, अब क्या क्या रणनीति है कि मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स को एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू वेरियस स्टडीज ब्रॉट आउट बोथ बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ने स्टडी किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और स्टेट गवर्नमेंट ने भी, मेडिसिनल प्लांट्स ऑफर ट्रिमेंडस एक्सपोर्ट पोटेंशियल। जो मेडिसिनल प्लांट है वो एक ट्रिमेंडस, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है उसकी, बहुत ज्यादा हम उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सम ऑफ द पॉइंट्स विच मे मेरिट अटेंशन ऑफ द पॉलिसी मेकर्स इन दिस रिस्पेक्ट आर एज अंडर, कुछ पॉइंट जो हमें डिस्कस करते हैं क्या, देखें क्या किया इन्होंने, ठीक है ना। तो ये पॉइंट तो तुमको पक्का लिखना है, और पीछे वाले याद या अथॉरिटी वगैरह के बारे में बातें याद रहे ना रहे, अच्छा अथॉरिटी में कुछ नहीं करना है, अथॉरिटी क्या काम कर रहा है, प्रमोटिंग एग्री स्पोर्ट जोन, इतना भी लिख दोगे तब भी चलेगा। और दो जोन कहां पाए जाते हैं, उत्तरांचल और केरला में। अब देखो क्या किया इन्होंने, देयर इज नीड टू एलोकेट फंड्स, हमको फंड देना है, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना डेवलपमेंट के लिए फंड दिया जाता है, हमको फंड एलोकेट करना है फॉर कंडक्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नॉट ओनली टू इंप्रूव वैरायटीज ऑफ द मेडिसिनल प्लांट एंड एनहांस देयर अवेलेबिलिटी। हमको उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किस तरीके से बढ़ावा दें कि इस प्लांट के अंदर जो केमिकल, जैसे हम लोग कहते हैं हाइब्रिड चीजें होती हैं ज्यादा अच्छी होती हैं, वैसे ही मेडिसिन प्लांट को भी हम हाइब्रिड करना चाह रहे हैं, उसके अंदर से निकलने वाला, जैसे कि गेहूं का एक बीज जब काफी मोटा और लंबा होता है, ऐसे ही हम चाहते हैं मेडिसिन प्लांट के अंदर दवाएं निकलती हैं ज्यादा मात्रा में निकले, ठीक है। बट ऑल्सो टू इस्टेब्लिश देयर एफिकेसी इन वेरियस क्लिनिकल कंडीशंस, हम चाहते हैं कि मेरा एक मान लो एक पौधा है आज की डेट में, उसके 100 पत्ते अगर मैं तोड़ता हूं तो उसके अंदर 10 ग्राम केमिकल निकल रहा है, अच्छा वो केमिकल क्या है, 90% या 80% मान लेते हैं उसकी क्षमता है ठीक करने की, तो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू उसके अंदर कुछ जेनेटिकली चेंजेस करेंगे, ठीक है। अब उसके 100 पत्ते 10 ग्राम ना निकाल करके 15 ग्राम दवाई उनसे अंदर से निचोड़ निकलेगा, और उनकी एफिकेसी 80 ना रह करके 95% हो जाएगी, दोनों चीजें बढ़ गई। जब ये दोनों चीजें बढ़ जाएंगी तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, अब होगा कि नहीं होगा, पहला पॉइंट, बात समझ में आ गई, ओके। सेटिंग अप एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन, एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ जोन्स बनाते जाएंगे ताकि उनको प्रमोशन मिल सके, मान लो कुछ लोग उगा तो रहे हैं अब लोगों को पता ही नहीं है एक्सपोर्ट कैसे करना है क्या करना है, एक्सक्लूसिवली फॉर मेडिसिनल प्लांट, खास करके सिर्फ और सिर्फ मेडिसिनल प्लांट, बाकी उसमें कुछ नहीं है ना, धनिया पुदीना नहीं, केवल जो मेडिसिनल प्लांट है उनके ही एक्सपोर्ट के लिए कुछ जोन्स तैयार करेंगे, ऐसे मेले तैयार करेंगे जहां पर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो सके, एंड हर्बल प्रोडक्ट्स इन पोटेंशियल स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, हु हैव गेन्ड सिग्निफिकेंटली इन कल्टीवेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मेडिसिनल प्लांट एंड हर्ब। ये वो स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा मेडिसिनल प्लांट्स और हर्ब पाए जाते हैं, तो कोशिश ये की जा रही है कि इन्हीं के अंदर कहीं पर ये जोन्स तैयार किए जाएं जिससे कि आदमी पैदावार करेगा और वहां से इनको एक्सपोर्ट करने में क्या होगी, आसानी होगी। जस्ट लाइक अगर मेरा सुन रहे हो तुम लोग सारी बातें, तो यूपी में एक वर्ड बोला जाता है आड़त, है ना, आलू आता है सप्लाई कर दी जाती है ना, तो इसी टाइप से या मंडी, मंडी समझो, सब्जी लेके आए
छोटे छोटे किसानों ने अपनी पैदावार की, मंडी में बेची, मंडी से फिर एक बड़ी जगह चली गई जहाँ पे मान लो फैक्ट्री में या कहीं जाना था। वैसे ही जोन बना दिए जाएंगे, जितने भी किसान होंगे जिन लोगों ने पैदा करा है फसल को लेके आएंगे, वहां रखेंगे, बिकेगी और वो आगे फिर एक्सपोर्ट के लिए चली जाएगी। क्लियर है? द एक्टिव इंग्रीडियंट्स इन द ट्रेडिशनल मेडिसिन प्लांट्स आर रिक्वायर्ड टू बी आइडेंटिफाइड एंड देयर हैज टू बी अ फार्माकोपिया एस्टैब्लिश्ड। कह रहा है कि मेडिसिन प्लांट्स के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कौन सा है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है जो कि फायदा देता है इंसान को, एक तो उसका पता होना चाहिए, टू बी आइडेंटिफाइड उसको ढूंढना है, एंड देयर हैज टू बी अ फार्माकोपिया एस्टैब्लिश्ड, और वहां पर उसके बाद हमें एक फार्माकोपिया एस्टैब्लिश करनी है जिसमें सारी बातें लिखी हुई उस प्लांट के बारे में। एंड इंटेंसिफाइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर एंड डी का मतलब क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी फॉर फाइंडिंग एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोसेसिंग ऑफ मेडिसिन प्लांट। अब ये सब बातें हो कि अच्छा इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट ये है, इसको फिर निकाले कैसे, चूरा करके कैसे निकाले, अब उसकी फार्माकोपिया तैयार कर ली, अब हमें क्या तैयार करना है, ऐसी टेक्नोलॉजी कि वो इसके अंदर से मेन कंस्टेंट को बड़े आराम से निकाल के प्यूरिफाई करके अलग कर दे, जिसको कि हम लोग इससे क्या बना पाएंगे, मेडिसिन बना पाएंगे। एफर्ट्स नीड टू बी कंसर्टेड टू एनहांस द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज एंड टेक्नोलॉजी फॉर एमएपीज फॉर मेकिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट रैदर देन टू एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम द कंट्री। कह रहा है हमको एफर्ट करने पड़ेंगे, हमें कोशिश करनी पड़ेगी, और वो भी खास करके बढ़ाने के लिए क्या, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है ना, जैसे तुम लोग आजकल वो देखते होगे, अगर यूट्यूब वगैरह देखते हो तो उसमें विदेशों में बड़े बड़े मशीनें होती हैं, वो ऐसे पेड़ से लगती हैं, ऐसे हिलाया सारे अंगूर गिर के वो या फल गिर के उसमें आ गए, हटा दिया, मशीनें लगी हुई हैं, वो गाजर उखाड़ उखाड़ के डालती जा रही है ना, देखी होंगी इस टाइप से बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, मशीनों द्वारा सारा काम किया जा रहा है। तो हमें ऐसी ही कुछ टेक्नोलॉजी तैयार करनी है, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, जो मेडिसिनल प्लांट है उनको जो प्रोसेस करना है, हमें किस तरीके से उसके अंदर से एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को बाहर निकालें, ठीक है, और फाइनली उससे हम लोग क्या कर पाए, एक फिनिश प्रोडक्ट जो हम प्रोडक्ट उससे बनाना चाहते हैं वो बना लें, ठीक है, बजाय इसके कि हम उसको रॉ मटेरियल मार्केट में भेजें दूसरी कंट्री में, ना वो उससे हमें फायदा नहीं होगा ज्यादा। फायदा किससे होगा, हम उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट अगर हम बना के देंगे तो, है ना, बात समझ में आ रही ना, फिनिश प्रोडक्ट। आगे आते हैं, द टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ अबव स्टेटेड है ये पॉइंट्स मेड इज लाइकली टू गिव अ थ्रस्ट टू द एक्सपोर्ट्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट फ्रॉम द कंट्री। जो ऊपर पॉइंट बोले गए हैं उनको टाइम टाइम पर इम्प्लीमेंटेशन और निगरानी रखी जाए, जिससे कि जो ऊपर सॉरी जिससे कि जो एक्सपोर्ट ऑफ मेडिसिनल प्लांट है उनको एक थ्रस्ट, एक पुशअप, एक धक्का लगता रहे और उनकी बढ़ोतरी होती रहे। तो ये खास करके पॉइंट थे जो कि थोड़े से याद रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो नेशनल इकोनॉमी में क्या रोल है, भैया पैसा आता है, सीधी बात है, ठीक है, एक्सपोर्ट करने के लिए ये सारी बातें हम इसमें दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं फिर बता रहा हूँ, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, मैंने जो बातें लिखी हैं, ठीक है, तो किसी रेफरेंस बुक से और रिसर्च करके लिखी हुई हैं, हो सकता है आप लोगों के टीचर ने कुछ और बातें लिखाई हों, तो मैं फिर कह रहा हूँ जो बातें यहाँ से अगर लग रहा है कि ये आसान है तो इसको ले लें, तो आपके टीचर का लिखा हुआ आसान है तो उससे ले लें, आपको लगता है नहीं यहाँ से कुछ बातें लेनी वहाँ से कुछ बातें लेनी है, दोनों को मर्ज कर लें फिर एग्जाम में लिखें, बेस्ट होता है वो, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब इसमें कुछ बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम ये और आती है कि भैया क्वेश्चन क्या आएगा और क्या लिखना है, ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा और क्या लिखना है, तो क्वेश्चन क्या आएगा, नेम सम एरोमेटिक मेडिसिनल प्लांट एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज एंड देयर रोल इन नेशनल इकोनॉमी। सबसे बड़ा ये क्वेश्चन आने की स्टेप से सबसे ज्यादा संभावना है, तो नेम सम, तीन नंबर पांच, पांच नंबर में कम से कम दस लिखोगे, तीन नंबर में तो कम से कम छह सात लिखोगे, छह तो लिखोगे ही, तो इसलिए मैंने कहा प्लांट्स के नाम और कहां किस कंट्री में बेचा जा रहा है और कितनी टन पैदावार होती है और कितना रुपया कमाया जाता है, वो उसको डाटा एक तैयार कर लोगे, ठीक है। डिस्कस ब्रीफली अबाउट द रोल ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स इन नेशनल इकोनॉमी। अब ये तो जनरल क्वेश्चन हो गया, ये और एक क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्कस द रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इन नेशनल इकोनॉमी। बहुत ज्यादा संभावना क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना, कुछ नहीं, जो बातें लिखी ऊपर से जितनी याद आ जाए एक तरफ लिखते जाओ, और कम से कम दो टेबल है, दोनों टेबल में से दो टेबल है, दो टेबल है ऊपर, दोनों टेबल में से दस ऊपर वाली में से और दस नीचे वाली में से याद करनी है। ब्रीफली डिस्कस अबाउट द एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ एमएपी, फिर वही दस दस याद करके और जो नीचे की बातें हमने डिस्कस करी है वो लिख दोगे। क्लियर है बातें, तो क्या लिखना है ये मेरे ख्याल से बातें क्लियर होगी होंगी, क्लियर है। लकीर का फकीर मत बन जाना, क्लियर है।
तो क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है? क्या करोगे? रिवीजन करोगे। ऑल द बेस्ट।